बाबा जी छत पे तो कबूतर और कौवे आते हैं, कभी कभी बंदर भी दर्शन दे जाते हैं, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं? धन्य घड़ी धन्य भाग, मिल गया उस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। मुरारी हाँ, इसे अपने मस्तक से लगाओ। अच्छा, ये किसका है रे? क्या कि ये हमारे पति हैं पंचम, उनका ही है। तो जीजा जी और पापा का क्या कनेक्शन है बाबा जी? बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस पजामे का स्वामी मुरारी सेठ के लिए बड़ा भाग्यशाली है, इसकी उपस्थिति मात्र से बृहत्तम तनाव भी टल जाते हैं। याद है कितनी बार अस्पताल के चक्कर कटे, किंतु हर बार सही सलामत बचे। इस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा के कारण इसने तुम्हारी रक्षा की है। लेकिन बाबा जी, देखना तो लगता रहा है कि वो हमारी रक्षा कर पाएगा। देखने से क्या मतलब मूर्ख, कोई धनुष बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाकर सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए थोड़ी ना खड़ा रहेगा। उसकी उपस्थिति मात्र से ही, इस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा की उपस्थिति मात्र से ही जो मुसीबत तुम पर आती है वो उसकी छाती पे टकरा के लौट जाती है। जीजा जी के जय हो, जय हो। जीजा जी के जय हो, जय हो। मुरारी से जय हो। ये तुम्हारा नौकर नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो, बल्कि मालिक तो ये है, तुम्हारे भाग्य का, जीवन का मालिक है। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर ये पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा इस घर से और तुमसे दूर हुआ तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ जाएगी। माते, आप और आपके पति धन्य हैं। बाबा जी, हम आपको धनिया क्यों लग रहे हैं? धनिया नहीं माते, धन्य। धन्य बोल रहे हैं, धन्य। हाँ हाँ, समझ गए, बताने की जरूरत ना है बड़े भाई की जरूरत ना करना। एक बात आप भी सुन लीजिए, आप इस व्यक्ति को अपने आप से किसी कीमत पे दूर ना होने दें। लीजिए। Oh my God, बाबा जी के जय हो, जय हो। बाबा जी के जय हो, जय हो। बाबा जी के जय हो, जय हो। चलिए अब हम चलते हैं। मुरारी सेठ जी, हमारी दक्षिणा 1001 रुपए मात्र। पापा रुक जाइए, बाबा जी आप तो ये कह रहे थे ना कि आप दक्षिणा नहीं लेते हैं। हाँ वो प्रिंसिपल भाभी, इन्हें बस 2 केले पकड़ा दीजिए। वो क्या है ना, ये मोह माया से बहुत दूर रहते हैं, है ना? ठीक है माते, वही दे दीजिए। अच्छा तो ले आते हैं। बाबा जी थोड़ा मतलब एक आध हफ्ते के पुराने केले हैं, ऐसे थोड़े से पिलपिले हैं, तो ले आए। पिलपिले हैं? हाँ। नहीं नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हमारा व्रत है। अच्छा तो हम चलते हैं, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु। जय हो बाबा जी की, जय हो। पापा मैं सच कहूँ ना तो मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि अगर जीजा जी जाएंगे उनका जाना शुभ नहीं होगा, पर मैंने किसी के सामने कुछ कहा नहीं। कैसी बातें कर रही है तू, हमेशा उल्टी सीधी बात करती रहती है, लेकिन जब काम की बात थी तो मुंह में तुरंत ही जमा लिया। बता है? अगर मैं उसे निकाल देता तो पता है मैं निकल जाता। चुप चुप बोलिए ना, मुझे तो सिर्फ इस बात की टेंशन है कि जीजा जी चले गए और आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो। नहीं नहीं, मुझे तो क्या, आपको तो अभी से पसीना रहे। ये जीजा जी आखिर है कौन है, आपके साथ होना चाहिए। मुझे लगता है कि तबीयत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ।
ना 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 ना, वो डॉक्टर जो है घर आने के ज्यादा पैसे लेता है। रुक जा, मत बुला, एक मिनट। हाँ भैया, चलिए चलिए। हाँ सरगम जी, बहुत ही अच्छी पिक्चर। हाँ भाई, बस रोक दे, प्रेम की ज्वाला। ये रीजनल कलाकार। अरे भाई, बीस। अबे मिस जाएगी। चलो चलो चलो। अरे हाँ हाँ, जाने दो जाने दो जाने दो। एक अब क्या हुआ? वो पंचम नहीं, प्लीज अभी नहीं। मुझे ना मूवी बिल्कुल मिस करने का कोई शौक नहीं है। प्लीज प्लीज, हरी अपना, अभी नहीं लेना पड़ेगा, सेठ जी का है। हेलो। अरे हाँ बर्तन। सेठ जी, पंचम। हाँ सुन, मैं क्या कर रहा हूँ, तू जल्दी दुकान पे आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। सेठ जी, हम सरगम जी के साथ पिक्चर देखने आए हैं। अरे फिल्म में छोड़ तू। हाँ आ जा, पिक्चर देखने। हेलो अंकल, अंकल सरगम। अच्छा अंकल, हम तो अभी लंच करके ही निकले हैं और मूवी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। हाँ सरगम बेटा जी, इसे जल्दी से भेज दे। बट मुझे बहुत जरूरी काम आन पड़ा है इससे। ओके जी सर जी। हाँ हाँ ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हाँ, आ रहा है, आ रहा है। बाय अंकल जी। बाय। तुम सुन लो पजामा। सुनो अब देखना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा की। वैसे ना मुझे बुरा भी लग रहा है यार, ऐसे ब्लैकमेल करना, पापा को उल्लू बनाना, तो क्या करूं? पति देव की विदाई की बात है। सॉरी भगवान जी। सॉरी पापा। इट्स ओके। सरगम जी, हमें जाना पड़ेगा, कुछ बात हो गई और सेठ जी ने हमें अभी बुलाया है। प्लीज आप ये छुट्टे रख लीजिए घर जाने के लिए। पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर जीजा जी के जाने के बाद आपको कुछ हो गया तो। ना ना देख लाइची, मुझे बाबा जी अच्छे तो लगे, लेकिन उनकी सारी बातें 100% सही होंगी ये ना कह सकता मैं। नहीं नहीं, हम इस गंभीर मामले में चांस नहीं ले सकते। वैसे भी मैं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी पापा। देख लाइची, एक बार बताऊं तुझे, जब से टंटन आया है, जब से हमारे जो है धंधे में कोई ऐसा इजाफा तो हुआ ना, बता ऐसा कि बहुत ज्यादा मैंने पैसा कमा लिया हो या मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ भी ना हुआ। और ऐसा भी ना हुआ कि टंटन के आने से मेरे कान से सिक्के जड़ रहे हो, बता। पापा हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया हो, और बाबा जी तो खुद कह रहे थे कि आपकी आपके ऊपर कोई भारी भारी मुसीबत आने वाली थी और जीजा जी की वजह से बच गए हो, ऐसा बाबा जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ। ना ना, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। देख बाबा जी की बात सुन के ना मैं भी थोड़ा सा हिल गया, लेकिन बंसी उसके कितने सारे एहसान है मेरे ऊपर, और उसे जबान भी तो दे चुका हूँ मैं। हाँ तो जबान जान से बड़ी है क्या पापा? यार एहसान जिंदगी से बड़े नहीं होते हैं। और कल को जीजा जी चले गए, आपको कुछ हो गया, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा ये कहने के लिए कि काश मैं बाबा जी की बात मान लेता। आराम, मेरे तो भाग्य फूट गया। ये बताओ, बंसी अंकल ने आप पे एहसान चढ़ाने के लिए अपनी जान दी थी? ना 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 ना, वो तो कभी अपनी जान से ना खेला, उसे भी तो अपनी जान प्यारी है। तो आप अपनी जान देने के लिए क्यों तुले हुए हैं? पापा बहुत मौके आएंगे एहसान उतारने के लिए, लेकिन अभी अभी आपको बहुत जीना है पापा, इसलिए मेरी बात मानिए और जीजा जी को अपने से दूर मत जाने दीजिए प्लीज। सही कह रही है तू, टंटन को रोकना ही होगा। क्या हुआ सर जी, कोई जरूरी काम? बेटा ये जरूरी तो ना कि किसी जरूरी काम से ही तुझे बुलाया जाए। सर जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई जरूरी बात है, पर दरअसल क्या है कि हम सरगम जी को ना पिक्चर का वादा करके आए थे और वो हमारा इंतजार कर रही हैं, हम जाने वाले थे तो। आप कहना क्या चाहते हैं कि पापा से बढ़कर है इस सरगम के साथ मूवी देखना? जी नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये है कि दरअसल क्या है कि हम उन्हें अकेला छोड़कर आए हैं ना। बेटा जो तू मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है उसका क्या? सेठ जी हम तो सिर्फ दो ढाई घंटे के लिए जा रहे हैं। ना ना, मैं आज की बात ना कर रहा हूँ। फिर तू मुझे कनाडा छोड़ कर जा रहा है, पता है? तू जाएगा मैं कितना अकेला हो जाऊंगा, ये घर, ये दुकान, ये आंगन, सब कितने
सूने हो जाएंगे। सेठ जी ऐसा मत बोलिए, आपके पास इलायची जी हैं, आपके पास आंटी जी हैं, और लेकिन तेरी कभी कोई पूरी ना कर सकता है, तेरी जगह मेरे दिल में, और सेठ जी आपकी जगह हमारे दिल में ही है। अच्छा तो तू ना जाएगा ना? पजामा टंटन, मुझे ना पता था कि तू मेरा सुरक्षा कवच है। पता, मैं मामला तुझे अपने से दूर कर रहा था। ओहो, उस मामा ने बिल्कुल सही कहा था कि तू ना है नौकर, नौकर तो मैं हूं, मैं तू है तो मैं हूं। भई सेठ जी पजामे के साथ क्या कर रहे हैं? अरे टंटन, टंटन बेटा। अरे सेठ जी आप यहाँ? प्रणाम सेठ जी। टंटन सेठ जी पंचन। हाँ जो भी है। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी। मैं ये कह रही हूँ कि तू करना मत जा। देख तुझसे ना अपना पंथा हो गया है, तू मेरा अपना बच्चा है बिल्कुल। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल तू मेरे बच्चे की तरह है बेटा। देख मैं क्या कह रहा हूँ, फैसला जो है वो तेरा ही होगा, लेकिन तू तो जानता है कि मुझे ना सुनने की आदत ना है, इसलिए जो भी तू फैसला दे उसमें सिर्फ मेरे कान में ये आवाज आनी चाहिए कि मैं कनाडा ना जाने आऊं। मेरे पास सिर्फ 16 तक का टाइम है ना। देख मैं फोर्स ना कर रहा हूँ कुछ भी, फैसला तेरा ही होगा, लेकिन जो मैंने कहा है वो नहीं। सर जी, सर जी, सर जी। अरे अरे सर जी को क्या हो गया भाई? ओ भाई इतनी रात तो कहाँ टहल रहा है? ठंड फेफड़ों में घुस जाएगी, और ठंड भगाने के लिए घर में ना एक बूंद भी ना है। भाई अभी ना बड़ी अजीब सी बात हुई यार। क्या अजीब सी बात हुई? कोई परी छत पे टहल रही थी क्या? नहीं। अरे यार सेठ जी ने छत पे आए थे इस समय। अरे यार इसमें क्या अजीब है भाई है? सेठ जी का घर है यार, वो छत पे टहले या टंकी पे बैठे तुझसे परमिशन लेके थोड़ी आएंगे यार। पंचम कैसी बात कर रहा है? अबे तू समझ नहीं रहा है, हमारे कपड़े सुखाने वाली रस्सी नहीं है, वहां से उन्होंने मेरा पजामा उतारा और फिर वो पजामे को सूंघने लग गए यार, चूमने लग गए, अपने माथे से लगाने लग गए। मतलब समझ ही नहीं आया यार, इस तरह की हरकतें कोई बूढ़ा बुजुर्ग करे अच्छा नहीं लगता ना यार। और फिर जब हमने उन्हें देखा तो घबरा गए भाई, कहने लगे कि कनाडा मत जा, कनाडा मत जा। भाई ये सब बातें ठीक है, लेकिन हमारा पजामा क्यों सूंघ रहे थे आप? अरे यार होते है, कुछ लोगों की आदत होती है सूंघने की, सूंघते है। अब देख गांव में वो चाचा पड़ोसी की चप्पल सूंघते थे, दादाजी पड़ोसी बनियान सूंघते थे। मुझे देख ले, मैं यहाँ तेरी बगल में लेट के तेरी बगल की बदबू सूंघता हूँ। कुछ लोग सूंघना पड़ता है। नहीं सेठ जी का बर्ताव कुछ अलग ही था इस बार। अरे यार इस उम्र में इंसान का बर्ताव अलग ही हो जाता भाई, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। वैसे गलत क्या कह रहे थे, रुक जा तू बक्साले। और वैसे भी सेठ जी की हरकतें देखने के बाद ना हमारा मन बिल्कुल खट्टा हो गया, इतनी अच्छी छवि थी उनके हमारे मन में, सब खराब हो गई है। और बिल्कुल नहीं रुकूंगा मैं। देख भाई एक बात सुन ले हिंदी में, अगर काली बिल्ली तेरा एक बार रास्ता काट जाए तो तू हाथ जोड़ के चुपचाप निकल जा, लेकिन भाई बिल्ली अगर बार बार तेरे रास्ते पाए, कूद कूद के तेरा रास्ता काटे, तो फिर मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है बे? अरे बकवास ना कर रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ।
तेरे जाने का संजोग ही ना बन रहा है, बाधाएं पे बाधाएं आ रही हैं यार। अब देख ले, सेठ जी जो तुझे भेज रहे थे कनाडा, वो खुद अब जाने का विरोध कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच, इस बात पर गौर कर। पूरी रात बाकी, अभी आराम सोच यार, और मुझे सोने दे। बाहर मत जाइए, बहुत ठंड है भाई, और कुत्ते भी बहुत भौंक रहे हैं। बात हुई आपकी जीजाजी से फिर? क्या बोला जीजाजी ने? अरे क्या बताऊं बेटा, उसने तो मेरे धुएं ही निकाल दिए। क्या बोल रहे हो? अरे मैं गया उसके पास, पता है झुंझुना ले गए मेरे हाथ में, मुझे वापस लौटा दिया। पर इधर वो कनाडा का जहाज उसका उड़ेगा, और इधर देखियो यमराज अपने भैंसे पे पीछे बैठा के मुझे आसमान की तरफ उड़ा के ले जाएगा। बाबा प्लीज ऐसा मत बोलो, हमें किसी भी तरीके से ना पॉसिबल करना होगा ये सब। देखो आप ना एक काम करो, सरगम के पापा को फोन करो और बोल दो कि जीजा जी अच्छे लड़के नहीं है, चुगली करो जीजा जी की। नाइस आइडिया अंकल जी, आपकी चुगली करने वाली सेल्फी। ना भैया, ये चुगली उगली वाला काम मुझसे ना हो पाएगा। अरे कैसे ना होगी चुगली, थोड़ी देर के लिए अपने आप को चुगली खोर बहू समझ लेना, फिर देखो कैसे मन लगा के चुगली होगी। बंसी का फोन है। स्पीकर स्पीकर। हाँ हेलो बंसी। ओ हेलो मुरारी, भाई क्या बात है तुम्हारी। अभी सरगम बिटिया को बोलना कि कनाडा के एयरपोर्ट खुल गया, मैं जल्दी से तैयारी कर ले आएंगी। अरे बंसी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुन। मैं क्या कह रहा था कि लड़के की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते, उसके बाद बात आगे बढ़ाते। भैया क्या लड़की का मामला है यार, लड़की ने इतना हीरे से अच्छा तो लड़का ढूंढा, पता कितनी तारीफ करती है अपनी सरगम में उसने पंचम की है। अरे वो तो ठीक है बंसी, लेकिन देख वो अभी बच्ची है, लेकिन हम तो समझदार हैं, हम अपने आँख के सामने जो है मक्खी को कैसे निगल लेंगे है? ओ मक्खी जब शहद की हो ना तो निगल लेनी चाहिए, मैंने भी निगली है। और वैसे भी ये ना शहद की मक्खी है, बहुत तारीफ करती है, बहुत अच्छा और बहुत नेक लड़का। मेरी बात समझ, एक बार मतलब जो है हम जो है थोड़ा सा उसकी बारे में पता कर ले, थोड़ी जांच पड़ताल कर ले, थोड़े उसके बारे में पूछ ले, तब आगे बात बढ़ाएंगे ना। अरे यार कैसे जिद कर रहा है यार, और तुझे पता ना सरगम ने जिद पकड़ ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, और बड़ी मुश्किल से तो ये लड़का मिला, नहीं तो उसका तो भरोसा उठ गया था ये शादी ब्याह और प्यार मोहब्बत के चक्कर में से। अरे सुन मैं मतलब क्या बताऊं, कैसे बोलूं तुझसे, लड़का जो है ना मुझे थोड़ा रंगीन मिजाज लगता है। ओ यार तू कैसी बच्चों जैसी बातें करता है यार, ये लाइफ होनी कलरफुल चाहिए है? इस उम्र में रंगीन या नहीं करेगा, तेरी मेरी उम्र में करेगा। और रंगीनियों से याद आया, याद है एक बार रंगीन मिजाजी के चक्कर में तू एक लड़की के। अरे सुन मैंने कल उसे दुकान में पकड़ा चोरी करते हुए। ओए ओए यार इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, जब पैसा हाथ में आ जाएगा तो अपने आप चोरी करना छोड़ देगा। ओ यार एक बार तूने शोरूम से जूते चुराए। अरे यार वो सब छोड़, तू बात ही ना समझ रहा, बात को कहीं का कहीं ले जा रहे हैं यार, बात की गहराई को समझ। यार मुरारी वैसे तुझे पता है ना कि मुझे एहसान गिनाने की आदत तो है नहीं, लेकिन याद है एक बार भैया मेरी बेटी तू जाने और वो जाने, हम कौन होते हैं ना, हम तो कुछ है ही नहीं भैया। ठीक है चल हम बाद में बात करते हैं। नॉट बैड ना पापा, वेरी गुड। पापा जवानी में कौन सी होली खेले थे? अरे कुछ ना, वो बंसी जो है कहीं उलूल उलूल बातें करता, तू भी उसकी बातों में आ रही है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम आंटी जी। आप गुड मॉर्निंग। अरे आजा बेटा टिंटल। सेठ जी पंचम। अरे सुन थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर ले। नहीं सेठ जी हमारा मन नहीं है। मन्ना है? ओहो देख रही है इलायची बेटा इसका मन्ना है। तो एक काम कर इलायची सेल्फी तू इसे जो है बाहर ले जा खुली हवा में, थोड़ा चाट वाट खिला तो इसके दिमाग में जो धूल है वो जड़ जाएगी। हाँ ठीक है। नहीं नहीं सेठ जी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेठ जी हमने फैसला कर लिया है। वो हम कनाडा जाएंगे। जी जाएंगे। सुन तू यहाँ बग्गी बगाई नौकरी छोड़कर चला जाएगा, तुझे पता ना है
कि नौकरी छोड़ने से पहले एक महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। सर जी ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी नोटिस के बारे में, बल्कि जब आपने हमें काम पे रखा था तो आपने ये बोला था कि अगर हम आपको काम में पसंद आए तो आप हमें रखेंगे वरना जब मर्जी आएंगे निकाल देंगे। हाँ, मैं अपनी मर्जी से तुझे निकाल सकता हूँ, लेकिन तू अपनी मर्जी से ना निकल सकता है, समझ रहा? ये कैसी बात है सेठ जी, ये तो साफ साफ जुल्म है। हम कनाडा शौक के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं सेठ जी, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हम संगीत में नाम करना चाहते हैं। अब तुझे गाना है ना, हाँ तो कोई बात ना, अग्रवाल साहब से कहकर तुझे मैं भजन कीर्तनों की जो मंडली है ना उसमें शामिल करवा देता हूँ, आराम से गाते रहियो। सेठ जी हमें एल्बम निकलवानी है। अरे खसोटे की दुकान के बराबर में जो वो है ना फोटोग्राफर, उससे कह दूंगा वो तेरी एल्बम जो है बनवा देगा। अबे म्यूजिक की है? मतलब सेठ जी हमारे कहने का मतलब ये है म्यूजिक की, हमें एल्बम निकलवानी है। और सेठ जी ये गलत बात है, प्लीज आप हमें आगे बढ़ने से मत रोकिए, अपना टाइम आ गया है सेठ जी। अरे तेरा टाइम आने में अभी टाइम है, सुन तू एक दो कदम आगे बढ़ाता तो भी ठीक है, तू तो सीधा का सीधा छलांग मार रहा कनाडा के लिए। अरे यहां से पहले नेपाल जाता, फिर अफगानिस्तान जाता, फिर दुबई जाता, उसके बाद कहीं सोचता, तू तो सीधा सात समंदर पार उड़कर पहुंचना चाह रहा है। देखिए सेठ जी हमने तो फैसला कर लिया, हम जाकर रहेंगे, हम कनाडा जाने के लिए बने और हम कनाडा जाएंगे, बस अपना टाइम आ गया है सेठ जी। बेटा मुझे लग रहा है कि अब मेरा भी टाइम आ गया है। पापा प्लीज एक मिनट, कुछ नहीं होगा, इधर आइए। अरे अब ठीक है, अभी तो ठीक है ना? डोंट वरी यार पापा, कुछ नहीं हुआ है आपको, ना होगा। अब देखना सरगम ही हमारी हेल्प करेगी जीजा जी को यहाँ रोकने में।